जो दिल्ली से आ रही है। दिल्ली हिंसा में आरोपी दीप सिद्धू को मिली जमानत, बड़ी खबर। 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड के दौरान भड़की थी हिंसा। पिछली सुनवाई में दीप सिद्धू ने स्वयं को बताया था निर्दोष, खुद को निर्दोष बताते हुए किया था जमानत देने का आग्रह। और अब दीप सिद्धू को जमानत मिल गई है। 30,000 कोर्ट से 30,000 रुपए के मुचलके पर उसे जमानत दी गई है। आपको बता दें कि 26 जनवरी को जो लाल किला ग्राउंड में जो हिंसा हुई थी उसमें दीप सिद्धू को मुख्य आरोपी बनाया गया था और उस मामले में 9 फरवरी को दीप सिद्धू की गिरफ्तारी हुई थी। करीब 15 दिन बाद गिरकपुर से उसकी गिरफ्तारी हुई थी और तब से वो जेल में है और आज दीप सिद्धू को जमानत मिल गई है। 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड के दौरान भड़की थी हिंसा। पिछली सुनवाई में दीप सिद्धू ने खुद को निर्दोष बताया था, खुद को निर्दोष बताते हुए किया था जमानत देने का आग्रह। बड़ी खबर, दिल्ली हिंसा में आरोपी दीप सिद्धू को जमानत मिल गई है। 30,000 कोर्ट से दीप सिद्धू को जमानत मिली है। 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड के दौरान हिंसा भड़की थी जिस पर दीप सिद्धू पर आरोप था कि उसने हिंसा भड़काने में उकसाया था और उसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई थी। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजा पटेल जुड़ चुके हैं। राजा पटेल, दीप सिद्धू को आखिरकार जमानत मिल गई है, कोर्ट ने और क्या क्या कहा है? बिल्कुल, देखिए खालिद, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से लाल किले का मामला कहीं ना कहीं सामने निकल कर आया था उसके बाद कहीं ना कहीं लगातार दीप सिद्धू है उन्होंने साफ तौर पर उच्च न्यायालय पे साफ तौर पर जमानत कहीं ना कहीं लगाई थी और तमाम ऐसे सबूत कहीं ना कहीं न्यायालय को दिए थे जज को, जिसको लेकर कहीं ना कहीं अब मंथन हुआ है और कहीं ना कहीं अब मैं आपको बता दूं कि दीप सिद्धू को जमानत मिल गई है। साफ तौर पर कई ऐसी जो गाइडलाइंस की बात करें या फिर कई ऐसे सबूतों की बात करें जो कि दिल्ली पुलिस जो हाई कहीं ना कहीं हाई कमान है, कहीं ना कहीं कुछ न्यायालय है, उनको नहीं सौंप पाई, जिसकी वजह से दीप सिद्धू अब कहीं ना कहीं जमानत से बाहर आ गए। जी, दीप सिद्धू कहीं ना कहीं उनको जमानत मिल गया, लेकिन राजा पटेल, जिस तरह से दिल्ली में हिंसा हुई थी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर, उस दौरान कई किसान नेताओं ने सीधे सीधे आरोप लगाया था दीप सिद्धू पर, क्या उनके तरफ से जमानत मिलने पर कोई प्रतिक्रिया आई है? जी बिल्कुल, देखिए खालिद, मैं आपको बता दूं तमाम जो बड़े नेता हैं किसान यूनियन के साफ तौर पर उन्होंने अपने आप को दीप सिद्धू से अलग कर लिया था, पर अभी तक उनका कोई रिएक्शन, कोई बयान सामने नहीं आया, पर फिलहाल जो जानकारी है कि दीप सिद्धू को जमानत मिल चुकी है। जी चलिए राजा पटेल, आप हमारे साथ बने रहिए।